आयनिक प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो कभी भी लिया जा सकता है, जैसे क्यूब कभी भी देखते थे हम, आयनिक प्रोडक्ट सारे सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल होगा, चाहे वो सेचुरेटेड है चाहे वो अनसेचुरेटेड है, दैट इज योर आयनिक प्रोडक्ट। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कब कहते हैं, जब सॉल्यूशन क्या हो जाए सेचुरेटेड, होता दोनों है, जैसे क्यू और के दोनों में ही आप कॉन्स्टेंट की बात करते थे, दोनों में आप प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की बात करते थे, वैसे ही बेटे सॉल के सी एल और आयनिक प्रोडक्ट दोनों जो चीजें होती है ना, वो हमें आपकी आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, अगर मान लो ए बी इज फॉर्मिंग ए प्लस एंड बी नेगेटिव, तो हमने अगर ये बोला ए प्लस और बी नेगेटिव है, ये आपका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है, तो आयनिक प्रोडक्ट भी वही है, मगर आयनिक प्रोडक्ट किसी भी पॉइंट ऑफ रिएक्शन में लिया जाता है, रिएक्शन किसी भी कॉन्सेंट्रेशन की हो। और जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो तभी देखा जाता है जब आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, इसका मतलब जब आपका सॉल्यूशन क्या हो जाए सेचुरेटेड, इक्विलिब्रियम तभी अटेन होगा जब आपका सॉल्यूशन क्या हो जाता है सेचुरेटेड। इतनी बात समझ आई बेटे पहले एवरीवन, फॉर द पॉइंट रिदी इज ऑल नी गेटिंग द पॉइंट, सीरत इज गेटिंग द पॉइंट, यस रेस्ट ऑफ ऑल जब, ठीक है। तो अब जब आयनिक प्रोडक्ट, जब आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, जब आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, नो पीपीटी विल फॉर्म, प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, कैन एनीवन टेल मी व्हाई। और जब आयनिक प्रोडक्ट मोर देन केएसपी हो जाए तो पीपीटी बनेगा, ये बात समझो। हाँ जी, अब ये बात अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये भी आपको बात समझ आनी चाहिए कि जब आपका आयनिक प्रोडक्ट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से कम होगा तो पीपीटी नहीं बनेगा, और अगर आयनिक प्रोडक्ट जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाएगा तो पीपीटी बनेगा। कोई बताओ, किसी को आता है ये, एनीवन? चल लेट मी ओपन द चैट बॉक्स, यस। हाँ जी, मैंने क्या बोला बेटे, आयनिक प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है, वो भी यही है, और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट भी वही है, मगर जो आयनिक प्रोडक्ट है वो किसी भी टाइम पे, रिएक्शन की किसी भी टाइम पे निकाला जाता है, और जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है वो कब निकाला जाता है, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाए सैचुरेटेड। रिद्धि सिंह मैम, इफ मोर विल बी द आयनिक प्रोडक्ट, इट मीन्स मोर विल बी द, यस यू आर राइट। आगे फिर बेटे के इक्विलिब्रियम पे है ना, आयनिक किसी भी टाइम, मतलब के की वैल्यू 1 है तो आई की वैल्यू 2 है, मतलब ये इक्विलिब्रियम को क्रॉस कर चुका है, तो मींस आयन ज्यादा बन गए ना, पीपीटी बनेंगे। बात समझ आई? एग्जाम्पल है बेटे, अगर के की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 2 है, ज्यादा है ना, मतलब के क्या था जब हमने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, अब इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद उसके बाद आयंस तो और बनेंगे नहीं, है ना, आयंस आप जबरदस्ती बना रहे हो तो उसके प्रेसिपिटेट ज्यादा बन जाएंगे, मतलब इक्विलिब्रियम से ज्यादा अगर आयनिक प्रोडक्ट होगा ना तो पीपीटी बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आयनिक प्रोडक्ट कम होगा इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ, लेस है। हाँ, इन केस ऑफ मोर आयनिक प्रोडक्ट, यस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जब आप उसको ठंडा करोगे तो आपके केएसपी जो पीपीटी है वो बन जाएंगे, यस बिल्कुल सही बात। जब आयनिक प्रोडक्ट कम है केएसपी ज्यादा है
तो इसका मतलब वो कहते हैं जैसे क्यू कम है के ज्यादा है, क्यू के की तरफ जाने के लिए फर्दर जाएगी रिएक्शन, मतलब अभी डिसॉल्व होगा, अभी पीपीटी नहीं बनेंगे, अभी डिसॉल्व होगा, ठीक है। जब के आई ज्यादा हो गया के से, अब पीपीटी बनने शुरू हो गई, जैसे काव्या इज राइटिंग मैम इट इज सुपर सच, यस इट इज सुपर सैचुरेटेड। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस बेटे, एनी डाउट फ्रॉम दिस टॉपिक? ओके, तो बेटे यही हमें केस, ये हमें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ये तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। एक आपका कितना कोई सॉल्ट सॉलेबल है ये फाउंड आउट करने में हेल्प करता है, और एक ये फाउंड आउट करने में हेल्प करता है कि प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे। इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन दिस, ठीक है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज बेटे कॉमन आयन इफेक्ट। डी चैटर्जी प्रिंसिपल हमने किया है, तो कॉमन आयन इफेक्ट को समझने के लिए टाइम नहीं लगना चाहिए हमें। डी चैटर्जी प्रिंसिपल में हम ये कहते थे कि अगर हम जो चीज बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन उस तरफ जाती है टू अनडू द इफेक्ट, वही कॉमन आयन इफेक्ट है। उसको हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में सेम उसका ही ब्रदर है तो सेम वही आप लोगे। तो व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? कॉमन आयन इफेक्ट बेटे, जब आप ये अब जब आप यू विल डू द यू हैव डन द एसिडिक ग्रुप एनालिसिस इन प्रैक्टिकल, यू हैव डन इन एसिडिक ग्रुप जिसमें क्लोराइड ब्रोमाइड लिए हैं, वैसे आप बेटे बेसिक ग्रुप एनालिसिस भी करोगे। बेसिक ग्रुप एनालिसिस में जैसे आप फर्स्ट ग्रुप में अमोनियम आ जाएगा जीरो ग्रुप में, देन लेड आ जाएगा, देन देयर विल बी योर कॉपर, देन देयर विल बी आयरन एल्यूमिनियम। जब आयरन एल्यूमिनियम आएगा ना तो थर्ड ग्रुप का रिएजेंट जो होगा ना वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड होगा, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब हम ग्रुप एनालिसिस करेंगे, अभी आपके प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन भी हम आपको बताएंगे कैसे करने हैं, तो थर्ड ग्रुप में बांटेंगे और थर्ड ग्रुप का रिएजेंट होता है बेटे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। अब बेटे अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक वीक सॉल्ट है, वीक सॉल्ट और वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये डिसोसिएट करता है, ये देता है ना। ये जो बेस है ये हमें क्या देगा? अमोनियम आयन्स देगा, इसको समझो पहले, ठीक है। अगर हम दोनों को, आप क्या करोगे, आप टेस्ट ट्यूब में ना हम आपको बोलेंगे दोनों चीजें डाल दो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी डाल दो, अमोनियम क्लोराइड भी डाल दो, ठीक है। जब आप एक वीक, अब इसमें से वीक कौन सी है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है, ठीक है। अरे लेट मी डू लाइक दिस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक एंड अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो अल्टीमेटली ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है बेटे। अब आपने क्या किया, आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड डाल देंगे। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक वीक बेस है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, पहली नहीं मुश्किल से टूट रही है। उसके बीच में आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए जो कि है अमोनियम क्लोराइड, अब ये भी टूटेगी। अब आपके प्रोडक्ट के साइड अमोनियम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट के साइड जो चीजें हैं वो ज्यादा हो जाएंगी, तो अगर यहाँ पे आपने, इसका मतलब यही है ना कि हमने बाहर से अमोनियम ऐड कर दिया। जब हमने बाहर से अमोनियम ऐड कर दिया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड की तरफ। इसका मतलब इसकी जो डिसोसिएशन है वो रुक गई। किस लिए रुक गई? क्योंकि आपने एक आयन ऐसा डाल दिया जो प्रीवियस वीक इलेक्ट्रोलाइट से कॉमन था, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है कि जब आप बेटे वीक इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हो जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है,
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉमन आयन दैट इज अमोनियम आयन व्हाट विल हैपन देयर विल अ सेपरेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनियम आयन दस वी कैन से दैट द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड्स हाँ अभी भी आती है व्हाट द पॉइंट दैट इज अ कॉमन आयन इफेक्ट ठीक है दैट इज अ कॉमन आयन इफेक्ट ये क्यों होता है जब आपको वो करवाएंगे ना प्रैक्टिकल तो देन आई विल टेल यू कि क्यों करवाना जरूरी होता है वार रिपीट कर दूं देखो कॉमन आयन इफेक्ट अगर आयन्स कॉमन हो जाएं तो ये बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन पे बेटे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कर रही है आपके आपने एक सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला वो अमोनियम और हाइड्रोक्साइड में टूट गया इट विल ब्रेक समृद्धि इजंट इट विल ब्रेक और नॉट ठीक है यस अब इसी सॉल्यूशन में आपने अमोनियम क्लोराइड डाल दिया अब ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl की बनी हुई है अब इसमें ये आपने डाला ये फिर से टूटेगी अब तो ये तो स्ट्रांग है तो ज्यादा टूटेगी ना ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये तो बहुत ज्यादा टूट जानी है अब ये टूट जाएगी तो ये क्या बना देगी अमोनिया प्लस Cl नेगेटिव है ना समृद्धि अब ये भी अमोनियम ये अमोनियम आपने बाहर से डाला कैसे डाला अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में अब प्रोडक्ट की साइड क्या हो गया अमोनियम बढ़ गया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी बैकवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन सप्रेस होगी ड्यू टू एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज द आयंस आर कॉमन गॉट इट यस बेटे ओके एंड दिस इज यूज इन अ क्वालिटेटिव एनालिसिस विच विल डू इन फर्दर प्रैक्टिकल्स ठीक है दिस डोंट हैव एनी टाइप ऑफ स्कोप एज ए थ्रेटिकल दिस इज अ प्रैक्टिकल कंसेप्ट एंड यू विल डू इन द प्रैक्टिकल आपको समझ आएगा वैसे ही आप H2S और HCl डालते हो H2S और HCl इज अ ग्रुप टू रिएजेंट ठीक है आप रिएजेंट्स में डिवाइड करोगे बेटे जब हम बेसिक ग्रुप की एनालिसिस करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट HCl होगा सेकंड ग्रुप का रिएजेंट होगा HCl के बीच में H2S तो वहां पे सल्फाइड्स की फॉर्म में नीचे बैठेंगे तो विल सी फर्दर जब आप ग्रुप एनालिसिस करोगे ठीक है इसके अलावा सॉल्टनिंग आउट ऑफ सोप एंड इम्प्योर ये सिर्फ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है बेटे कॉमन आयन इफेक्ट की तो इट विल कम इन द प्रैक्टिकल ओनली नॉट इन द थ्रेटिकल कंसेप्ट ठीक है अब लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज बफर क्या होते हैं बफर एनीवन कैन टेल व्हाट आर बफर सॉल्यूशन यू हैव टू डू ओनली द डेफिनेशन बेटे As only definitions are there in the syllabus. Syllabus बहुत deduct हो गया है. No salt hydrolysis are there. Nothing. जो नहीं है तो will not do anything about that. ठीक है. Buffer वैसे क्या होता है बेटे? Layman language में अगर buffer कहना हो तो can anyone explain? What is buffer in the layman language? एक बार revise syllabus बेटे भेजा हुआ group में हाँ तो ये कावे this answer is a solution of weak acid and a conjugate base this is the answer of chemistry. So I'm saying according to layman language what is a buffer? अगर आपसे वैसे कोई आप एक इंग्लिश में बफर को कैसे डिफाइन करोगे यस एनीवन हैं कि बफर कैपेसिटी है वो बफर का मतलब जो पीछे से आपको किसी ना किसी तरीके से रेगुलेट कर सके हम किसी की ऑप्शन जो रखते हैं बफर की तरह एक्ट करता है अगर ये खत्म हो जाएगी चीज तो इसको कैसे कोई चीज चेंज करेगी दैट इज अ बफर है ना
बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? बफर सॉल्यूशन होते हैं विच रिजिस्ट द चेंज इन द पीएच वैल्यू बाय एडिशन ऑफ स्मॉल एसिड और अ बेस। ठीक है, मान लो कि सॉल्यूशन में, मान लो आपका सॉल्यूशन एसिडिक है, अगर उसमें आप थोड़ा एसिड डाल दो तब भी वो अपना कुछ चेंज नहीं करेगा, अगर उसमें आप बेसिक कुछ डाल दो तब भी चेंज नहीं करेगा, दैट इज अ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे काव्या ने भी बताया कि मैम बफर सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन विच इज हैविंग वीक एसिड एंड अ कॉन्जुगेट बेस। तो इससे क्या होता है बेटे, इफ वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, सो बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच रिजिस्ट द चेंज इन द पीएच। जब मैं पीएच की चेंज कहती हूँ, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप चाहे एसिड डाल लो तब भी जो उसकी नेचर है, अगर उसकी एसिडिक नेचर है तो वो तो एसिडिक रहनी रहनी है बेटे, अगर उसकी बेसिक नेचर है तब भी वो बेसिक ही रहेगा। ठीक है, इन द सेम वे अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक, बफर कुछ मर्जी हो सकता है, इवन न्यूट्रल भी होते हैं, उसमें अगर आप बेस डाल देते हो तो अगर बेसिक बफर है तो बेसिक तो रहने, मगर एसिडिक बफर हो तब भी एसिडिक ही रहेगा, अगर एसिडिक बफर है तब भी एसिडिक ही रहेगा। ठीक है, एसिड में तो एसिड तो हमें पता रेजिस्ट नहीं करेगा, मगर बफर एसिडिक होगा अगर अगर आप बेस डाल देते हो तो वो जो है एसिडिक ही रहेगा। ठीक है, अगर आपका बफर बेसिक है उसमें एसिड डाल देते हो तब भी वो बेसिक ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ओके, समझ आ गई। अब एग्जाम्पल है जैसे कि एसिडिक बफर की, नाउ कम टू एसिडिक बफर। अब नेम से ही पता चल रहा है कि ये बफर है बेटे एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक नेचर का कैसे है, आपने क्या करना है, वीक एसिड लेना है और इसी एसिड का शॉर्ट लेना है जो कैसे बना है, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके बना है। जैसे कि एसिडिक एसिड को जब आप NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको क्या बेस मिलेगा, आपको सोडियम एसीटेट मिलेगा। ये एक एसिडिक बफर है जिसमें आपने एसिडिक एसिड और सोडियम एसीटेट लिया है बेटे, दैट इज एन अमृत इज नाउ इट इज कमिंग बट लेट। ठीक है, यस जबरजोत बिल्कुल सही लिखा है, एसिडिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट और सोडियम इथेनॉइड। ठीक है, तो ये एसिडिक बफर हो गया जिसका आपने बेटे वीक एसिड लिया है एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड उसी एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। अब बेसिक बफर क्या होगा, अगेन वीक बेस हो जाएगा, बेसिक बफर इज अ वीक बेस। अब वीक बेस की एग्जांपल क्या ले सकते हो, जैसे मैंने अभी लिखा जो मैंने कॉमन आयन इफेक्ट किया है वो एक तरह का बफर ही था, वो था अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसी का ही सॉल्ट, यही किया था ना हमने अभी। तो दिस इज अ वीक बेस एंड अ सॉल्ट ऑफ दैट बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज अ बेसिक बफर। क्योंकि जब ये डिसोशिएट करेगा तो जो बेसिक है तो वो क्या देगा, क्योंकि अमोनियम ज्यादा है तो इट विल फॉर्म अ बेसिक बफर। ठीक है बेटे, अब पहले तो इसकी वो होती थी कि एक्शन ऑफ द बफर, नाउ देयर इज नो एक्शन, वन मार्क्स का क्वेश्चन डालना हो तो हम डाल देंगे आपके लिए, अदरवाइज इतना ही आपने करना। एनी मोर डाउट यू कैन आस्क। ठीक है, दिस इज एसिडिक बफर एंड दिस इज अ बेसिक बफर। इन द सेम वे देयर इज अ न्यूट्रल, न्यूट्रल इतना अच्छा एक्ट नहीं करता जितने एसिडिक और बेसिक बफर एक्ट करते हैं। एनी डाउट मैम, पीएच नहीं है बफर में, पीएच नहीं है बफर में बेटे, सारा कुछ डिलीट हो गया, इतना कुछ डिलीट हो गया।
करें, बहुत कुछ डिलीट है आपके, लिक्विड स्टेट ही नहीं है स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो आपका सिलेबस काफी ज्यादा डिलीटेड है। ठीक है, तो जब आप पढ़ोगे ना तो सोच समझ के, चैप्टर वी हैव स्टार्ट फ्रॉम द टाइप ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, डिफरेंट कंसेप्ट आर ही नियस, देन यू हैव डन ब्रॉन्स्टन लॉरी, देन यू हैव डन लुईस कंसेप्ट। ठीक है, लुईस वही जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल थे जब हमने ऑर्गेनिक में करे थे। ठीक है, जब इलेक्ट्रोफाइल की बात करते थे हम ये कहते थे कि सारे लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल है और सारे लुईस बेस न्यूक्लियोफाइल है। तो लुईस बेस कंसेप्ट में आपने ये याद रखना है कि बेसिस लोन पेयर डोनर्स होते हैं और एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं। आर जो आपका आर ही नियस है वो पुराना हो गया, उसपे से बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज ऑफ क्लास 10। फिर आता है ब्रॉन्स्टन लोरी का, अगेन जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपने, किसी का भी कॉन्जुगेटेड बेस या कॉन्जुगेटेड एसिड आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देन यू हैव डन द कंसेप्ट ऑफ डायल्यूशन लॉ, ऑसवाल्ड डायल्यूशन लॉ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल बी कॉन्टिन्यूड इन द क्लास 12th ऑल्सो। तब हम सिर्फ आपको उन दोनों में रिलेशनशिप बताते हैं, नो डेरिवेशन। ठीक, उसके बाद आपने किया था ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, जिसमें आपने पीएच निकालनी सीखी, दैट इज ऑल्सो ट्यू में, और पीएच में से आपके न्यूमेरिकल ही आने हैं, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड यानी, और वो भी सिंपल वाले। ठीक है, पीएच के न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। ठीक है, पीएच में से इस चैप्टर में आपका बेटे टोटल 7 मार्क्स का चैप्टर बनता है, फिजिकल केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, 7 to 8 मार्क्स का, उससे ज्यादा चैप्टर नहीं होता ये। तो हमारे पास ये चैप्टर फोर फोर में डिवाइड करना होता है, हमने आपको फिजिकल और केमिकल में से भी डालना होता है और आयनिक से भी डालना है। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल में से आपको पता है आपके पास रिचर्डली प्रिंसिपल है, आपको पता है केपीकेसी है, क्यू है, ये चीजें हैं आपके पास जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं, अभी जैसे मैंने बताया कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर्स में से क्वेश्चन बनते हैं, पीएच के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ये सॉलिबिलिटी का न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, अदरवाइज बाकी जो 1 मार्क्स की डेफिनेशन, जैसे एसिडिक बफर हो गया, ये सब डेफिनेशन है। कॉमन आयन इफेक्ट इसमें नहीं आता, कॉमन आयन इफेक्ट प्रैक्टिकल व्यू है मगर इट इज इन सिलेबस, इसलिए आपको करवाया जाता है। ठीक है, हाँ जी, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर एस ब्लॉक शुरू कर रहे हैं। एस ब्लॉक कर ले शुरू? यस,